नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो मुद्दा है वो सवाल और जवाब है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, जबकि डीजीटी ने 31 तारीख को एक लेटर डाल दिया है एमआईएस पोर्टल पे और साफ स्टेट गवर्नमेंट को और आईटीआई वालों को बोल दिया है कि इनका डेटा आप भेजिए, इनका डेटा हम वेरीफाई करेंगे और इसके बाद इनका रिजल्ट अपडेट करेंगे। लेकिन लड़के, आप लोग मान नहीं रहे हो, स्टूडेंट आप लोग मान नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपके बहुत सारे जो ये सवाल है उसका मैं एक जवाब दे रहा हूँ। ये आप समझ लीजिए कि अगर 27 तारीख को जो रिजल्ट अपडेट किया था उसके बाद रिजल्ट अपडेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 27 तारीख के पहले जो भी रिजल्ट आता था अपडेट करने के लिए, तो जो एजेंसियां, ध्यान से सुनिए, जो एजेंसियां एग्जाम लेती थी वही डाटा बार बार वो रिपीट कर दे रही थी, जिसके कारण आपकी प्रोफाइल, आपका रिजल्ट या आपका रिजल्ट नहीं चढ़ता था, तो बार बार वही परेशानी आती थी। तो इस परेशानी को ठीक करने के लिए, अंतिम कील ठोकने के लिए डीजीटी ने क्या कहा, बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। मैं आपको बता दूं कि डीजीटी ने क्या कहा कि ये लड़के ना परेशान हो, भले थोड़ा सा लेट हो जाए, भले थोड़ा सा इसमें जो है तो टाइम लग जाए और जो डीजीटी के अधिकारी हैं वो परेशान हो, बट जो एजेंसियां एग्जाम ली हैं और जिन लड़कों का रिजल्ट गलत आ रहा है उनका एंसर शीट मंगवाया जाए, वेरीफाई करके रिजल्ट अपडेट किया जाए। अब आप सोच रहे हो कि हमारा आज हमने कर दिया, 28 तारीख को किया, 25 तारीख को किया, 26 तारीख को मैंने ग्रीवेंस रेस किया हूं, शिकायत किया हूं, तो मेरा क्यों नहीं आया। अरे बाबा, जो पहले किया है अब मेल आएगा। आप अब ये बताइए कि मेल जो पहले करेगा उसका आएगा, आपका तो आएगा नहीं ना। ये कंप्यूटर में जो आता है तो समय वाई आता है, डेट वाई आता है, किसी ने 10 बजे किया, किसी ने 11 बजे किया, किसी ने 4 बजे किया, किसी ने 6 बजे किया, तो सोचो आपके पहले कितने लोगों ने ग्रीवेंस किया हुआ। और पहला मैं बता दूं आपको कि उन्हीं का रिजल्ट पहला आ रहा है जो स्टूडेंट अपने से ग्रीवेंस रेस किया है या आईटीआई वाले ने किया है, तो पहले उनका वेरीफाई हो रहा है, इसके बाद दूसरे का दूसरा नंबर आएगा। जो जिनका ग्रीवेंस में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं खुल रहा है, तो आईटीआई वाले कर रहे हैं। तीसरा, जो आईटीआई वाले अपने स्टूडेंट के, अपने यहाँ के स्टूडेंट के जो स्टूडेंट हैं उनका देख रहे हैं, मिला रहे हैं डेटा के किनका किनका दिक्कत है और उसको स्टेट गवर्नमेंट को, डीजीटी को भेजेंगे अपने लॉगिन और यूजर से, इसके बाद हो जाएगा। मेरी बात मानिए आप लोग, थोड़ा सा अगर आप 2018-17 से आपका नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो भाई 1 महीने 10 दिन में आपका क्या हो जाएगा। अभी 27 तारीख को अपडेट हुआ, 27 तारीख के बाद मैंने बताया था आपको कि 6 तारीख तक जितने भी डेटा आ जाएंगे वो अपडेट हो जाएंगे, इसके बाद जो है तो दूसरा डेटे का वो करेंगे 15 तक में, इसके बाद तीसरा डेटा 22-23 तक करेंगे, इसके बाद जो है तो इसी महीने के लास्ट तक में सबका हो जाएगा, इसके बाद नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ग्रीवेंस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो मैं सबको यही बता रहा हूं कि देखिए, आप लोग स्वयं ना करें, आप लोग आईटीआई वाले के पास जाएं, वहां उसके सामने ग्रीवेंस करें। अगर ग्रीवेंस लॉक हो गया तो बहुत मुश्किल होगी, आपका रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है इतना जल्दी तो वो सिर्फ इसी कारण से नहीं आ रहा है। तो आप लोग प्रोफेशनल से जो जानकार हैं आईटीआई में उनसे आप करवाइए, ठीक है, और रिजल्ट आपका अपडेट आ रहा है, देखिए फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप परेशान होंगे, फिर वही रिजल्ट आ जाएगा, फिर परेशान होंगे, फिर टाइम बर्बाद होगा, फिर डीजीटी का टाइम बर्बाद होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज कर दिया कि अगर एग्जाम लेने वाली एजेंसियां हैं और मेन जड़ जो है, तो मेन जड़ जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसका जड़ जो एग्जाम ले रही एजेंसी वही है। और हालांकि मैं उनके अधिकारियों का नंबर ढूंढ रहा हूं, 1-2 दिन में मिल जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, मैं हो सकता है कि मैं उनको कटघरे में खड़ा करवाऊं, क्योंकि स्टूडेंट के साथ जो गलत किया है एग्जाम लेने वाली एजेंसियां, मैं उनको भी नहीं छोड़ने वाला हूं। वो कोऑर्डिनेटर मिलते हैं, उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है मेरा, और मैं बहुत ज्यादा उनको महत्व नहीं दे रहा हूं कि लाइमलाइट में उनको मैं कर दूं, लेकिन उनके अधिकारियों को मैं ढूंढ रहा हूं, उनका नंबर मिल गया ना, तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये आप ध्यान में रखिएगा।
रिजल्ट सही क्यों नहीं गया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मैं इसके हर चीज जो मैं बोलता हूं तो काफी भाई साहब, मैं ये नहीं है कि सुबह गया है और रिजल्ट जो है तो के खातिर या कंटेंट के खातिर या पॉपुलर होने के खातिर, मैं आप लोगों को बताया कि मेरे को पॉपुलर नहीं होना है और ना ये तो कभी चैनल पॉपुलर होगा। ये चैनल सिर्फ 60 लोगों के लिए बना हुआ है, वो भी डीजीटी के अधिकारी जो है और स्टेट के लोग हैं, जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दुनिया भर के लोग देखेंगे तो उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया है ये। तो मैं काफी आरएनडी और रिसर्च के बाद पाया हूं, मैं खुद डीजीटी के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि सर बच्चों की कॉपी आंसर शीट क्यों नहीं मंगवाई जा रही है, बच्चा क्या लिख रहा है, बच्चा बोल रहा है कि मैं 50 नंबर का करके आया हूं, पा रहा है 5 नंबर, और जब एजेंसी वालों को कहो तो एजेंसी डेटा जो है तो वही उठा करके देती चली जा रही, इसलिए आंसर शीट देने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, कौन इतना मजामारी करे। तो इसलिए काम चोरी का काम नहीं, सर भले रिजल्ट लेट हो लेकिन हर बच्चे की डेटा सीट मंगवाई जाए, आंसर सीट मंगवाई जाए, उसमें क्या है प्रोफाइल फोटो रिजल्ट सारी चीजें की जाए और इसी महीने में कर लीजिए। अब डीजीटी ने लेटर दे करके, लेटर जारी करके एक बाध्यता खड़ी कर दी है स्टेट के ऊपर भी और आईटीआई के ऊपर भी। और आप लोगों से मैं बार बार हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि आप इतना परेशान ना हो, मैं आपके परेशानी, बहुत सारे लड़के लिख रहे हैं कि सर मेरे पिताजी बोलना बंद कर दिए हैं, आना जाना बंद कर दिए हैं, बहुत ज्यादा परेशान। बेटा एक चीज बताओ, मैं उन अभिभावक जो है उनसे भी बोल रहा हूं कि अगर वो वीडियो सुन रहे हो, सुनते हो आप लोग, देखिए कुछ अच्छा हो रहा है तो हो जाने दीजिए, और नहीं तो ये परेशानी इतनी बढ़ती चली जाएगी कि कभी इसका अंत ही नहीं है। एजेंसियां मनमाना ही ऐसे डेटा भेजती रहेंगी और बार बार मेल करती रहेंगी और समस्या का समाधान नहीं होगा, लड़का कितने बार एग्जाम देगा। और मैं इसके तह तक गया हूं तब मैं ये चीजें निकाला हूं कि ये आंसर शीट के बिना मंगवाए कोई काम नहीं होगा, आंसर शीट मंगवाना पड़ेगा और आंसर शीट से ही सारी चीजें होंगी। तो अब जैसे अब 2 दिन की छुट्टी थी शनिवार इतवार की, अब सोमवार है, अभी से लेके 6 तारीख तक के जो भी डेटा, अगर उनको रात तक में बहुत सारे डेटा मिल गया होगा तो वो सीधे सीधे किसको भेजेंगे, एग्जाम वाली एजेंसियों को, वहां से डेटा आएगा, डेटा आकर के वेरीफाई होगा, और 1-2 स्टूडेंट का नहीं रहता है, लाखों के लड़के हैं तो लाखों का डेटा वेरीफाई करने में टाइम लगता है, हफ्ते लगता है, 10 दिन लगता है, 15 दिन में भी हो जाए मेरे को लगता है तो बहुत बड़ी बात है कि 15 दिन में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है भाई, डेटा सबका वेरीफाई करना। कल आप कोर्ट में चले गए, मैंने डीजीटी को बताया कि लड़का कोर्ट में जाएगा, केस करेगा एजेंसियों के पास, फिर आप भी जवाब नहीं दे पाओगे कि आपने लड़कों का आंसर शीट देखा था कि नहीं देखा था, आप मनमाना ऐसे कैसे रिजल्ट आप निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, धैर्य रखिए, ठीक है आगे चलते हैं। कुछ लड़कों ने सवाल किया है, जो ये नए लड़के हैं 2021 के जो एडमिशन अभी लिए हैं, कि सर कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि 2018 और 19 के जो आईटीआई है वो 4-5 साल में अभी मेरी भी तो नहीं हो जाएगी। देखिए क्या था, दो कारण था, एक तो 2018 के जो बच्चे हैं वो एग्जाम नहीं दे पाए वो सर्वर के कारण, कि सर्वर जो है तो डाउन हो गया था, दूसरा जो है तो महामारी की जब बीमारी लगी तो एग्जाम नहीं दे पाए थे, भगवान न करे कि दोबारा ऐसा कुछ हो, और अगर होगा तो आपने देखा कि एक लाइन आगे बढ़ करके डीजीटी आगे बढ़ी है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको प्रमोट किया है। तो ये तो मत मानिए कि सबको प्रमोट करेंगे, फाइनल वाले बच्चों को प्रमोट करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन वो फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट किए हैं जिसमें ईडी और प्रैक्टिकल और WS के परीक्षा दिए हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके साथ में ऐसा नहीं होने वाला है, ये एक बार हो गया बहुत बड़ी सीख हो गई है डीजीटी के लिए, और आप लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप डरिए नहीं। तीसरे बच्चे बोले हैं कि सर क्लासेस नहीं लगती हैं तो हम YouTube चैनल में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं उससे पढ़ते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद की चीज़ है या नुकसान है। देखिए अगर आप मेरे से बात करेंगे और मेरे से पूछेंगे तो मैं एज ए प्रोफेशनल और गाइडेंस देने वाला आदमी, अगर ये आप कहें आप मेरे को एक एडवाइजर के रूप में, तो मैं आपको बोलूँगा कि जो पढ़ाई आपके, देखिए क्या होता है कि यूट्यूब पर जो क्लास ले रहे हैं, मैं कुछ कहने नहीं चाहता उनको, वो अपनी उनकी एक सोच है, अच्छी भी हो सकती है खराब भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहने वाला, मैं कौन होता हूँ। लेकिन अगर आपके आईटीआई में, आप हमको ये बताइए
कि थ्योरी क्या है, थ्योरी है क्या, कुछ नहीं है। थ्योरी एक जस्टिफिकेशन करने का पेपर होता है कि आप जस्ट क्वालिफाई हुए हो। मेन चीज जो है तो ये प्रैक्टिकल का है, स्किल का कोर्स है। तो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे और प्रैक्टिकल जो किए हो उसी से संबंधित आपका जो है तो एग्जाम का पेपर आता है, तो वही आपको जस्टिफिकेशन करने के लिए कि हां आपने उसमें मास्टरी हासिल की है। तो अगर आप प्रैक्टिकल करने नहीं जा रहे हो और सोच रहे हो कि हम थ्योरी भर से काम चला लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी वो काम में नहीं आने वाला है। आज की डेट में मैं कई जगह जाता हूं, प्लेसमेंट के लिए जाता हूं, मेरे को बुलवाती हैं एजेंसियां कि सर आप चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, आप अच्छे बच्चे सेलेक्ट कर देते हैं तो चलिए। तो मैं जो पूछता हूं तो मैं प्रैक्टिकल की चीज ही पूछता हूं, और यहां तक कि मैं सामने ले आके रख देता हूं कि आप ये बना करके दिखाइए। तो आज की डेट में जो एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, वो आपको अगर प्लेस करती हैं, लेती हैं, तो आप ये मानिए कि अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बस आईटीआई का एक सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा पास का, बाकी कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा 5,000 की नौकरी मिलेगी, लेकिन आगे नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जहां जिस आईटीआई में पढ़ रहे हो वहीं थ्योरी पढ़ो और वहीं प्रैक्टिकल करो, क्योंकि वो जानता है कि वो थ्योरी क्या पढ़ाया है और प्रैक्टिकल क्या करवाएगा, तो आपका नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा बजाय कि यूट्यूब में देखने का। यूट्यूब वाला जो पढ़ा रहा है वो नहीं जानता कि आप क्या प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता है, आप पढ़ भी सकते हो, ज्ञान देखिए वो नहीं होता है, ज्ञान जितना लीजिए उतना अच्छा है, लेकिन कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा, आप सोचिए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, लड़के कह रहे हैं कि सर कोई आप जो है तो इंटरव्यू कैसे देते हैं उस पर वीडियो बनाए। निश्चित वीडियो बनाऊंगा मैं, एक दो दिन में वीडियो बनेगा कि आप प्लेसमेंट के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको कैसे इंटरव्यू देना चाहिए और कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, कैसे ड्रेसिंग होनी चाहिए, कैसे बोलनी चाहिए, कैसे क्या क्या करना चाहिए। निश्चित कल तो छोड़ करके, कल CITS का इंटरव्यू है तो कल CITS वालों का मैं वीडियो जारी करूँगा। उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कब से वो लोग बोल रहे हैं, आगे आपका करूँगा। सर आप ये मुद्दा उठाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर लगता है, हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, क्या करें सर। मैं आपको मैसेज कर देता हूं, मैसेज के बाद में आप हमारा मुद्दा उठा दिया करते हैं, धन्यवाद आपको। देखिए मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि ये आपका आईटीआई का टॉक शो है, आप लोगों का बिना नाम बताए बिना फोटो बताए मैं इंटरव्यू जो है तो मोबाइल के थ्रू से करता हूं, जहां मैं आपकी पहचान को छुपाता हूं। ये न्यूज चैनल है, ये यूट्यूब नहीं है, ये न्यूज चैनल है। न्यूज चैनल की एक मर्यादा होती है कि जहां से उसको खबर मिलती है या जहां वो चाहे तो उसकी जो है तो पहचान वो छुपा सकता, ये उसके अधिकार में है। और वो ये नहीं बता सकता है कि हमको कहां से ये जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले, ये एक हमारा राइट है प्रेस का। तो हम उसके अंडर आ करके जो है तो अंडर में आ करके ये काम करते हैं। तो हम सबसे बोल रहे हैं, बहुत सारे संचालक हैं वो भी यही बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं कि सर हमारी पहचान सामने नहीं आ जाए। मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि कभी भी आपकी पहचान नहीं आएगी। अब आज ही एक शूटिंग होने वाली है, CITS के हैं तो उनकी भी पहचान को छुपाई जाएगी, ना नाम बताया जाएगा। आप अपनी आवाज को रख सकते हैं इस चैनल पे, और हमारा मकसद भी यही है कि आपका अंदर का जो डर है, जो आपकी आवाज है, वो आप उठा सकते हैं और उठाइए, बिल्कुल भी उठाइए आप। चलिए कुछ जो है तो पुराने लोग जो हैं, पुराने आईटीआई वाले हैं, मतलब जिनकी आईटीआई चल रही है, वो मेरे से सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बोल रहा हूं कि आपके लिए जो है तो मैं शो एक अलग से रखूंगा, चूंकि ये स्टूडेंट के लिए आज था, तो आप लोगों के लिए मैं कल या परसों फिर वीडियो बनाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि आपकी भी जो बहुत सारी परेशानियां हैं आईटीआई को लेकर के। बहुत सारे बोल रहे हैं कि किसका एग्ज़ाम होगा, किसका एग्ज़ाम नहीं होगा, चूंकि उस लेटर में जो DGT ने भेजा था एक लेटर तो प्रमोट वाली, तो उसमें कुछ गलत फहमियाँ हैं, और उस गलत फहमियों को मैंने DGT को लिख करके भेजा है कि उसमें हमको क्लियरिफिकेशन दें, और उसमें हमने क्लियरिफिकेशन मांगा है। हालांकि उस दिन शनिवार और इतवार फंस गया था, तो आज हमारे पास क्लियरिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि किसका एग्ज़ाम होगा, किसका एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोगों ने पूछा है कि वो थर्ड शिफ्ट क्यों नहीं चालू हो रही है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको अगले वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, दो दिन से मेरी तबीयत खराब थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उनको मेरी सेहत को लेकर के भी बहुत चिंता होती है,
बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि सर दवाइयाँ भेज दूँ मैं, डॉक्टर भेज दूँ, और आप विश्वास नहीं मानोगे कि मध्य प्रदेश के 4-5 स्टूडेंट तो 300 किलोमीटर दूरी से वो बाइक चला करके चले आए, मेरे से मिलने आए। ताजुब हो गया मेरे को। एक 250, मैंने पूछा उसको तो देखा कि 250, अरे बहुत दूर से आ गया। एक इंदौर से बच्चा चला आया था, एक बड़वानी से बच्चा चला आया था, तो एक जो है तो आपके बरेली से बच्चा आया था। तो इतनी दूर से बच्चे आए थे, मोटरसाइकिल में बैठ करके मिलने आए थे कि मेरी तबीयत जान करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। प्लीज़ आप लोग बस फ़ोन पे ही बता दीजिए। बहुत मेरे को डर लगता है कि आप मोटरसाइकिल चला करके सुबह सुबह बिल्कुल इस ठंड के उसमें आए। तो आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे प्यार मिलता रहेगा तो हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। हाँ, आप डरिए नहीं और थोड़ा सा हिम्मत रखिए। आप अभी हिम्मत रखिए, जो डेटा आएगा वो सही आएगा। अगर आपने सही किया है तो सही आएगा। और आप जानते भी हो, सारे स्टूडेंट मेरे से कह रहे हो कि सर मैंने जो किया है वही आना चाहिए, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आज सोमवार है, आज मैं पूरे दिन लग रहा हूँ कि जो एजेंसियाँ एग्जाम किए हैं उनके जो अधिकारी हैं उनका मैं नंबर पा जाऊँ और उनको मैं थोड़ा सा मैं अपना भड़ास निकाल लूँ तो मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊँगा। क्योंकि मैं टेंशन बहुत ज़्यादा ले लिया था आप लोगों को रिजल्ट को लेकर के। मेरा थोड़ा सा DGT से जो है तो टॉक भी ओवर हो गया था, क्योंकि मैंने धमकी भी दे दी थी उनको कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं बच्चों को लेकर के आपके ऑफिस में, आपके चैम्बर में आ जाऊँगा। तो हालांकि ठीक है, मैं उसको बहुत ज़्यादा ले लिया था तो तबीयत ख़राब हो गई थी। देखिए, आप लोगों के लिए मैं लड़ने के लिए बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार रहता हूँ। और आप हमारे घर के बच्चे हो, हमेशा आप स्वस्थ रहो, सुंदर रहो। और अभिभावकों से कह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मेरी बात मान लीजिए। मैं भी आपका बच्चा हूँ, बड़ा बच्चा हूँ, तो आप मेरी बात मान लीजिए। DGT का लेटर है। हाँ, DGT को मैंने बोला है कि हिंदी में भी एक लेटर दिया करो। कई स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है तो इसलिए वो अपने गार्जियन को दिखा पाएँ, वो इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो अब बहुत सारे लड़कों ने बोला, सर मैं तो लेकर के गया, हमारे गार्जियन समझते नहीं तो मैं क्या करूं। तो हमने कहा चलिए मैं वीडियो बना करके एक भेज देता हूं। तो आज का वीडियो मैंने बीच में टाइम निकाला, हालांकि स्लॉट आज का खाली नहीं था आप लोगों के लिए, आज CITS के लिए है, तो फिर भी मैं बनाया। आप लोग ये वीडियो उनको दिखा दीजिएगा। तो बाबूजी और जो मेरे बुजुर्ग हो, सबसे मैं राम राम कह रहा हूँ। आप लोग तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। और बच्चों को ठीक है, गलती हो गई है सरकार से और DGT के अधिकारियों से, उनको पनिश मिलेगा, आप चिंता मत करिए। बच्चों को थोड़ा सा आप लोग हौसला करिए, हौसला दीजिए। और मैं आपको वादा करता हूँ कि ये जनवरी के लास्ट तक में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होगी तो मैं खुद ही ये आंदोलन करूँगा और DGT के अधिकारियों को मैं पकड़ करके ले आऊँगा, उनका इंटरव्यू करूँगा आप लोगों के सामने। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। आगे आप अपना ध्यान रखिएगा, पानी बचाइएगा, पौधे लगाइएगा, इस ठंड में किसी को कपड़े दान दीजिएगा। कोरोना के महामारी में जो है तो आप थोड़ा सा दूरी बनवाइएगा। हाँ, टीका के लिए आ गया है सरकार का, तो हर आप टीका जरूर लगवाइएगा, बढ़ चढ़ करके टीका लगवाइए और फोटो भी भेज दीजिए मेरे को कि मैंने टीका लगवाया है। ठीक है, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं एक टीके वाला भी वीडियो बना करके आप लोगों के कि आप लोगों ने ये टीका लगाया है, अब छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बनवाइए। ठीक है ना, कि मैंने टीका लगा लिया, मैं भी टीका लगा लिया, ऐसे करके वीडियो बनाइए, मैं आपका वीडियो जरूर डाल दूंगा और प्रधानमंत्री तक भेजूंगा कि बच्चे कितने होशियार हैं और अपनी जवाबदारी ये लोग समझते हैं। स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय।